आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने लगे हैं वाई आई का जून टू थाउजेंड आर गोइंग टू स्टार्ट और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक पे नेक्स्ट uh, वीक uh, जो है अ न्यू टॉपिक तो स्टार्ट फॉर दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट

यहाँ पे डिलीट कर दूँ कि ये चीज़ हमें नहीं चाहिए उसके बाद इसकी इन्वेस्टमेंट भी हमें नहीं चाहिए और तीसरी इसकी इन्वेस्टमेंट भी हमें नहीं चाहिए तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनल हमारी कंसोलिडेशन में नहीं जाएंगी उसके बाद इन्फॉमेसन जो हमें नहीं चाहिए जो कंसोलिडेशन में नहीं आएगी वही सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं जाएंगी तो आप इसको यहीं पर काट सकते हैं कंसोलिडेशन में इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है जी इसके अलावा जो यहाँ पे मेन चीज़ है वो ये है कि हमें इसकी जो इन्वेस्टमेंट है ये वाली इन्वेस्टमेंट इन सी एल एट कॉस्ट जो हमारी सब्सिडी ने, ने जो फर्दर सब्सिडी में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है इसकी हमने कहा था कि ये जो एंट्री है इसकी एक एंट्री आप स्टार्ट में पास कर लेंगे अगर तो उससे क्या होगा कि आपकी आपको गलती के चांस कम हो जाएंगे तो इसकी जो है हमें एक एंट्री पास करनी है और हमने इफेक्ट दिखाना है ड्यूरिंग अपनी ठीक है जी उसके बाद शेयर दी हुई है मैंने मैंने सारे कर दिए जो मैंने चाहिए और इंफॉर्मेशन जो अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है वो क्या कह रहा है जी ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फिफ्टीन में क्या हुआ 75 अब ओवल में हमारे कितने शेयर है यहाँ पे हमारी होल्डिंग है, है इसके पास Which in of 450 अब यहाँ पे जो है उसने हमें पहले कैलकुलेट करके दे दी है उसने का जो गुडविल होगी तो गुडविल जो है गुडविल फोर फिफ्टी उसने क्वेश्चन में, में दी हुई है तो वो हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख लेते हैं On

वो सारी उसी वैल्यू पे जो है वो फेय रहेगी उसकी एक्सेप्ट बिल्डिंग है उसकी वैल्यू जो है वो तीन सौ मिलियन से जो है इंक्रीज कर गई है और उसकी जो लाइफ है वो ट्वेंटी है आगे इंफॉर्मेशन में देता है कि इमिजिएटली आफ्टर एक्विशन रीवेल्यूशन मॉडल फॉर ऑल आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू मेक पॉलिसी यूनिफॉर्म बी ए अब बेल्स जो है जो हमारी पेरेंट कंपनी है वो क्या करती है उसने पॉलिसी की अडॉप्ट की हुई है फिक्स एसेस के बारे में आई एस सिक्सटीन में कि वो रिवेल्यूशन पे काम करेगी तमाम एसेट जो है वो पी पी के वो रिवेल्यूशन पे रखेगा तो वही काम बी एल ने किया बी एल ने क्योंकि सेम पॉलिसी लेके आनी है आई एफ एस थ्री के तहत तो उसने क्या किया उसने तमाम के तमाम एसेट जो है वो अपने रिवेल्यूट कर दिए जब ये रिवेल्यूशन हो जाएगी तो क्या होगा अभी जो बिल्डिंग है इसको भी रिवेल्यू करेगा ये तो उसने इसकी पॉलिसी रिवेल्यूशन की कर दी है तो हम क्या करेंगे हम ये जो एडिशन हुआ है हम कहेंगे ये के अंदर जो तो जो है इसका जो है इसका इफेक्ट हमें मिल गया है तो इसको हम जो है फर्दर जो है वो इसकी वैल्यू जो इंक्रीज नहीं करेंगे एक बात दूसरी बात उसमें कहते हैं जनाब रिवेल्यूशन जो है वो पोस्ट एक्विजिशन क्या होगी आप देखिये पोस्ट एक्विजिशन में क्या होगा अगर मैं रिवेल्यूशन पोस्ट एक्विजीशन लिखू तो वो क्या होगा अब यहां देखें कि जो आपके पास पीपी है वो कितने का है और कितने का हो गया है ठीक है जी तो यहाँ जो मैं हमें क्वेश्चन अगर हम जाके देखें तो यहां हमें पता लग रहा है कि जो हमारे पास पीपी दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्राणी पच्चीस हजार इसका दिया हुआ है चौदह हजार इसका दिया हुआ है सात हजार नौ सौ इसका दिया हुआ है अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो है वो पोस्ट एक्विजिशन की बात कितनी है यहां जो क्वेश्चन में रिवोर्शन दी हुई है वो कितनी दी ठीक है, 1, दिया हुआ है। तो ये में में कितना दिया हजार अठारह में दिया हुआ है उसमें उसने कहा कि तीन सौ रुपए जो है वो आपकी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ है

ठीक है जी तो हम क्या करेंगे तो जो यूनिवर्सिटी में पोस्ट एक्विजिशन है हमारा वो जो एक बारह सौ दिया हुआ उसने यहाँ पे इसको हम काट के क्या करेंगे इसको हम कर देंगे सिक्स सेवेंटी फाइव ठीक है जी तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ जो हमें नहीं चाहिए

और हमने ऑलरेडी कितना लिया हुआ थर्टी फाइव परसेंट यह दिया हुआ थर्टी फाइव परसेंट ऑलरेडी हमने लिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी यहाँ पे कितनी परसेंटेज है फिफ्टी थ्री परसेंट जो है वो बी एल ने एक्वायर किया हुआ है डायरेक्टली सी एल को ठीक है जी अब आप देखें ज़रा इसकी एक, एक एंटी पहले पास कर लें ताकि हम इसकी ये जो कन्फ्यूजन हमारी ये जो एंट्री मैंने हमने कहा था लिखी थी इसको हम पास कर देते हैं इसमें क्या एंट्री होगा इसमें परचेस कंसिलेशन जाएगा सेवेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट हमारा शेयर है इसमें तो वो आपका बन जाएगा सिक्स एटी फोर जो आप गुडविल को चार्ज करेंगे एन सी आई को कितना आप चार्ज करेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट जो आपका हो जाएगा टू टू एट और टू इन्वेस्टमेंट जो है आपका ट्रेड हो जाएगा 912 से ये एंट्री आपने यहाँ पे लिख ली और इस एंट्री को जो है हम एज इट इज जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द गुडविल एंड एंसे शेयर ठीक है जी चलिए ये भी काम हो गया हमारा अब जनाब देखते हैं इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं हम हमने जो एक्वायर किया है ओएल को आगे इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो हम बाद में पढ़ते हैं पहले हम क्या करते हैं हम इसकी यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं कि हम इसकी बैलेंस शीट कब बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे हम ओपनिंग और क्लोजिंग अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो उसको हम थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करें तो हम क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें आई एन ए कैलकुलेट करते हैं कि जो हमने सी एल को एक्वाइड किया है सी एल को हमने एक्वाइड कब किया है फर्स्ट जनवरी दो हज़ार आठ को तो यहाँ पे यहाँ पे इसके नेट आइडेंटिफाई एसेट्स कितने थे तो यहां अगर हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे हम जिस तरह हम लोग कैपिटल से लेके एक आई एन ए, ए, ए निकालते हैं तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दिया क्या दी हुई है गुडविल उसने कैलकुलेट करके कर 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 दी हुई है तो यहां पे गुडविल में कैलकुलेट करके दी हुई है यहां से हम गुडविल से जो है इसकी इसका हम जो है वो आई एन ए निकालते हैं वो कैसे निकलेगा हमें ये पता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है इन्वेस्टमेंट इन ओवेल ओवेल में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड फाइव फोर हंड्रेड ठीक है इसमें गोडिले की तरह दिया हुआ मैं अगर इसमें से गोडीला माइनस कर दू गा मैंने उसने कैलकुलेट करके दी हुई है चार सौ पचास तो ये आपका आ जाएगा फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब है ये सेवेंटी फाइव परसेंट है किसी चीज का तो वो हंड्रेड परसेंट क्या चीज होगी तो अगर मैं इसको हंड्रेड बाई सेवेंटी फाइव कर दूं तो आपको मिलेगा सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मिलेगा ये उसके जो है बिजनेस के वैल्यू बन गई ये उसका बन गया आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन तो यहाँ पे हमें जो है वो जो आई एन ए है वो हमें जो है वो रिवर्स कैलकुलेशन करके हमने गुडविल में दी हुई थी और नेशनल में दी हुई थी उससे हमने अपना शेयर्स निकाला उस शेयर्स को हमने हंड्रेड परसेंट किया तो हमने कहा कि आपके जो है ये आपके जो है वो ओपनिंग एसेट्स जो है वो नेट एसेट जो है वो बन गए अब इसके हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो यहाँ पे दी हुई है कैपिटल दिया हुआ है हमें उसने शेयर प्रीमियम दिया हुआ है हमें उसने कहा कि जब ये एक्वायर्ड हुआ था एक्विजिशन पे जो इसका उसका उसका उसका, उसका जो है वो रिवर्शन uh, सर्विस दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है अर्निंग अर्निंग कहाँ दी हुई उसकी अर्निंग उसने यहाँ पे नीचे दी हुई है थ्री थाउजेंड ठीक है जी तो यहां से हम इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट हम यहाँ बना लेते हैं इसकी तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं सीएल की बैलेंस शीट एज ऑट एज एट दिसंबर टू थाउजेंड एटीन यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ हमें कैपिटल दिया हुआ उसने जनाब फाइव थाउजेंड उसके बाद शेयर प्रीमियम दिया हुआ उसने टू थाउजेंड यह बैनशीट दिया हुआ है। मैं वहीं से कॉपी कर रहा हूँ ठीक है जी यहीं से कॉपी कर रहा हूँ मैं उसके बाद उसका रिवेल्यूशन वन थाउजेंड टू हंड्रेड देन Reserve, earning, 3000. Yes, ने यहाँ पे हमें सारा दिया हुआ था मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया उसके बाद इंफॉर्मेशन दी हुई है एक लीज की तो यहाँ पे लीज लाइबिलिटी और आर ओ यू वो हम अभी लेके आएंगे पीछे से कैलकुलेट करेंगे तो इस सबको जब हम जमा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग आई एन ए आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स ठीक है जी ओपनिंग हमें पता है है कितना ओपनिंग कितना है हमारे पास सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ओपनिंग दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है पोस्ट एक्विशन प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यहाँ पे अभी दो चीजें हमें जो है वो लीज लाइब्रेरी और आर जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन आगे दी हुई है वो हम कैलकुलेट करके कर लाएंगे यहाँ पे उसमें से हम ओपनिंग आई एन जो हमने कैलकुलेट किया पीछे हंड्रेड ये हमने कैलकुलेट किया तो इसको जब डिफरेंस का तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा ठीक है जी तो पहले हम आई एन ए की इन्फॉर्मेशन जो है पूरी करते हैं अपनी तो यहाँ पे हम देखते हैं जी यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन उसने दी हुई हमें उसने हमें ये कहा है कि On 1st March sara BL entered into agreement with RO information leasing information. On first January, OL acquired a machine on lease from BL for a non cancellable period of three years for 400,000 million per annum able in area. The carrying value of the remaining life of the machine the books of the company, is 3500 million and 10 years respectively. The lease has appropriately accounted for. इन द अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एप्लीकेबल डिस्काउंट इज टेन ठीक है तो यहाँ पे उसने हमें कहा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है वो ये दी हुई है कि ये तीन साल के लिए लीज हुआ और हर साल आप क्या पे करेंगे आप 400 मिलियन जो है उसको पर एन उसको पे करेंगे और उसका डिस्काउंट रेट क्या है वो आपका दस परसेंट है अभी किसने दिया ओएल ने क्या किया लीज कर दिया बीएल को पहले इस ट्रांजेक्शन को पूरा करते हैं उसके बाद समझते हैं ये हुआ क्या है पहले इसका अगर हम बनाएं लीज पेमेंट शेड्यूल बनाएं इसका हम तो यहाँ पे हम देखें जनाब ईयर वन टू थ्री कैश फ्लो कितना है जनाब हमारा कितना कैश फ्लो जाएगा चार सौ हमारा मिलियन जो है उसकी हम पेमेंट करेंगे डिस्काउंट फैक्टर हमारा जो दिया हुआ है वो दस परसेंट है तो वो हमारा हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन ज़ीरो नाइन ज़ीरो 0.8264 एट टू सिक्स फोर और ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव वन थ्री तो इसकी जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बन जाएगी वो बन जाएगी थ्री सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स ज़ीरो थ्री थ्री ज़ीरो पॉइंट फाइव सिक्स एंड थ्री हंड्रेड पॉइंट फाइव थ्री तो ये टोटल बन जाएगा आपका नाइन नाइन फाइव नाइन अच्छा जी अब ये जो है था हमने इसका स्केड्यूल मिला ला लिया पूरा अब ये हुआ क्या अगर आप देखें कि ये कब लीज दी गई है ये लीज दी गई है फर्स्ट जनवरी 2018 को इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेट है ये क्या है फर्स्ट जनवरी 2018 है ठीक है जी तो कब आएगी आपकी उसके बाद आपका क्लोजिंग हो जाएगा 31 फर्स्ट दिसंबर दो हजार अठारह और थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार उन्नीस आज क्या डेट है आज डेट है थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड एटीन के एक साल गुजर चुका है एक साल पहले रिलीज हुई थी इसका मतलब क्या हुआ के आज आज जब मैं बैठा हूं तो मैं कहां बैठा हूं मैं बैठा हुआ हूं थर्टी फर्स्ट दिसंबर बारह दो हजार अठारह ठीक है जी ये तीन साल की लीज है एक साल हो चुका है अब दो साल बाकी है ठीक है जी तो दो साल बाकी है 2019 ये जरा पॉइंट से जो ना आपको कर सकता है मैंने ये कहा कि हमने ये पूरा स्टार्ट हो दो को स्टार्ट हुआ और थर्टी दिसंबर को, को उसकी पहली पेमेंट हो जाएगी इंस्टॉलमेंट पे पे हो जाएगी अब पहले इंस्टॉलमेंट जो है वो पे हो चुकी है अब यहाँ पे जब मैं बैठूंगा तो यहाँ बैठ के मैं कहूंगा कि अब मुझे दूसरी जो पेमेंट करनी है वो एक साल बाद करनी है 2019 में और 2019 हजार में जो मुझे पेमेंट करनी है वो दो साल का दो साल की इंस्टॉलमेंट बाकी रह गई है तीन साल का जो पीरियड था उस पे एक साल गुजर चुका है दो हज़ार अठारह कम्प्लीट हो चुका है मैं अठाईस दिसंबर दो हजार अठारह को बैठा हुआ और मैंने कहा दो इंस्टॉलमेंट बाकी रह गई है डिस्काउंट फैक्टर जो है इसका नाइन जीरो नाइन जीरो है और जीरो पॉइंट एट टू सिक्स फोर है थ्री सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स जीरो है और थ्री थ्री जीरो सिक्स है तो ये टोटल लाइब्रिटी है जो मैंने आगे पे करनी है इसका आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिक्स सिक्स थ्री तो ये क्या है मेरी लाइबिलिटी है जो मुझे पे करनी है देखिये जी लाइब्रेटी कैसे कैलकुलेट की हमने हमने कहा कि टोटल तीन इंस्टॉलमेंट्स थी उस तीन इंस्टॉलमेंट्स में क्या हुआ एक ऑलरेडी भी हो चुकी है अब दो बाकी रह गई है आज इस डेट में वे बैठे हुए हैं तो इस डेट से ऑलरेडी अगर तो दो साल की साल आप निकालें उसका दस परसेंट पर डिस्काउंट करें तो आपकी लाइब्रेटी जो है वो ये आएगी सिक्स थर्टी फोर आपका आर ओयू एसिड कितना आएगा टोटल लाइब्रेटी का टू थर्ड बाकी अभी वन थर्ड चला गया है तो इसका आप टू थर्ड कर लेंगे तो सिक्स सिक्स थ्री जो है ये आपका आर आ जाएगा ठीक है जी तो आर और एसिड्स जो है वो सिक्स हम यहाँ पे रखते हैं वापस 663 और 694. तो ये हमारा आ जाएगा जनाब टू थर्टी वन इसमें से हम सिक्स सिक्स माइनस करेंगे तो हमारा जो है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी वन आ जाएगा तो यहाँ पे जो है आपको जो इसकी लाइब्रिटी कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पे आपको थोड़ा ख्याल करना है कि जब लाइब्रेटी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पीरियड का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा Otherwise, क्या होगा अदरवाइज अगर आप कहेंगे ये लाइब्रेरी है तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा लाइब्रेरी कौन सी है लाइब्रेरी अब दो साल की बाकी रह गई है तो आपको ये जो जो पहले पिछला शेड्यूल बनाया था उसको मैंने दोबारा कास्ट किया आपके ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे निकाला ठीक ओके जी तो यहां से आपको जो है तो आपने अपने पोस्ट एगोरे प्रॉफिट निकाल लिया अब ये जो पोस्ट एगोरे प्रॉफिट है अगर यहाँ से मैं इसकी एनसी निकालना चाहूंगा एनसीए कितनी निकलेगी जनाब इसकी आप देखें जनाब आपकी बैलेंस शीट कितनी है आपकी बैलेंस शीट का आईएनए कितना है उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ अलेवन थाउजेंड टू थर्टी वन तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट का ट्वेंटी एट ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना आ गया आपको दो हजार आठ सौ आठ सौ आ गया इसमें आप क्या करें आपने जो ओपनिंग एंट्री पास की है इसका इफेक्ट ज्यादा खाते इसमें जो आपने ओपनिंग एंट्री पास की है इसका यहां पे इफेक्ट है ये वाली एंट्री का एनसीआई को आपने कम किया है टू टू एट से तो यहाँ पे एनसीआई को क्या करेंगे आप आप एनसीआई को जो इन्वेस्टमेंट्स है टू टू एट से आप उस एंट्री का इफेक्ट यहां देंगे तो आपका एनसी आ जाएगा टू फाइव एट जीरो ठीक है जी तो मैं यहाँ पे एन ले देता हूं एनसीआई जो ओएल का आया है वो आया है टू फाइव एट जीरो जी तो एनसीआई भी हमने कैलकुलेट कर लिया रिटेन रेंडिंग का पोर्शन भी से निकाल लेते हैं रिटेन रेंडिंग जो है पोस्ट एक्शन कितना निकली आपकी दोनों का डिफरेंस निकाला इसका सेवेंटी फाइव परसेंट कितना है इसका सेवेंटी फाइव परसेंट आप ले दे वो आपका बनेगा थ्री फोर सेवन थ्री ये पेरेंट का शेयर है तो ये पेरेंट का शेयर जो है इसकी में हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं थ्री फोर सेवन थ्री तो जनाब इसके साथ ही बड़ी जो सीएल की इंफॉर्मेशन थी वो हमारी पूरी हो गई है सीएल का हमने एन सी भी कैलकुलेट कर लिया हमने सीएल का सीएल का जो है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया और हमने जो है उसकी गुडविल उसने कैलकुलेशन में दी भी थी वो भी हमने जो है वो कैलकुलेट कर ली अब हम चलते हैं जनाब अगली इंफॉर्मेशन की तरफ यहां पे हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हम बात करेंगे अब सीएल की कि सीएल के अंदर क्या हो रहा है तो सीएल के अंदर पहले हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं ठीक है जी तो सीएल की इंफॉर्मेशन हम यहां पे ले लेते हैं अब हम बात करेंगे सीएल की सीएल की बैलेंस शीट अगर बनाए हैं तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है बैलेंस शीट में वहीं से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हमें इंफॉर्मेशन जो बैलेंस शीट में दी हुई है उसने हमें बताया कि इसका जो प्रॉफिट है वो कितना था एक्विजिशन डेट पे एक हज़ार दो सौ है कैपिटल कितना है इसका बारह सौ शेयर प्रीमियम एक हज़ार एक सौ है और यहाँ पे इसका कैपिटल कितना है दो हज़ार तो इसको उठा के हम इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और इसकी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं कैपिटल दिया तो हमें दिया हुआ एक हजार दो सौ दोनों जगह सेम रहेगा उसके बाद जनाब शेयर प्रीमियम हमें दिया हुआ है शेयर प्रीमियम दिया हुआ है एक हजार एक सौ यह भी सेम रहेगा उसके बाद जनाब हमें दिया हुआ रिटेन रनिंग तो रिटेन अर्निंग जो है वो क्वेश्चन में उसने कहा है जो उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन भी एक हजार दो सौ है और बैलेंस शीट में कितनी तो, दी हुई है क्वेश्चन में दो हजार दी हुई है तो ये जनाब इसका टोटल आई एन ए आ जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग ई एन ए एन सी आई कितना है जनाब एन सी आई जो है वो फोर्टी सेवन परसेंट है इसका एन सी आई फोर्टी सेवन परसेंट तो इसका फोर्टी सेवन परसेंट आप ले तो ये आ जाएगा और क्लोजिंग आ जाएगा टू जीरो टू वन तो टू जीरो टू वन जो है हम यहाँ पे ऊपर तो जो है वो ऐड कर लेते हैं ठीक है जी वो मैंने ऊपर लिख लिया साथ साथ ताकि वे प्रॉब्लम ना हो अब जनाब इसकी गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी मैं गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूँ सी की वो कैसे करेंगे जनाब हम कहेंगे जनाब नेशनल कितनी की है इसमें ठीक है जी तो इन्वेस्टमेंट हमने देखे कितनी की हुई है ये दी हुई यहाँ पे हमने ये ये सिक्स एटी फोर बेसिकली जो नौ सौ बारह था उसको हमने ब्रेक कर लिया ना तो हमारा पीसी भी कितना जाएगा, भी जाएगा हमारा सिक्स एटी फोर तो इन्वेस्टमेंट कितना हमारा है सिक्स एटी फोर ठीक है जी उस एंट्री का फायदा हमें ये हो रहा है कि हमें पता है कि हमने कितनी जानी है तो के आप देखे आप की 35%. ये जो 35 आपने ऑलरेडी है इसको आपने क्या लेके जाना है इसकी फेयर वैल्यू एसोसिएट की जो वर्किंग आप की है उसको आपने करना है एसोसिएट में जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी आपको चाहिए फेयर वैल्यू ठीक है जी तो इसकी फेयर वैल्यू आप निकाले

हाँ जी ऊपर क्वेश्चन में देखें हमें जो इन्वेस्टमेंट दी हुई है ऑलरेडी हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है इन्वेस्टमेंट इन सी एल वन टू टू जीरो हमें दी हुई है ऑलरेडी ठीक है जी तो यहां से हम इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले मैं यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं आपको कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी है मैं अगर फेयर वैल्यू निकालना चाह रहा हूं फेयर वैल्यू ऑफ इसकी फेयर वैल्यू सी एल की कितने परसेंट जो मैंने थर्टी फाइव परसेंट इन्वेस्टमेंट की हुई है मैं उसकी फेयर वैल्यू निकालना चाहता हूं हमने कहा कि नौ सो बारह जो है वो इन्वेस्टमेंट की है किसने ओवेल ने इन्वेस्पेक्ट किया है सीएल में नौ सो बारह की ये कितने परसेंट किया इसको मिला शेयर ट्वेंटी फोर परसेंट तो ये अगर ट्वेंटी फोर परसेंट है किसी चीज का तो हंड्रेड परसेंट क्या होगा तो वो हंड्रेड परसेंट उसका जो बनेगा वो बन जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू जो जो है आज जो है आज वो है और वन थ्री थ्री जीरो बनेगा तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जनाब आपका जो फे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है वो कितना है वन थ्री थ्री जीरो अच्छा जब ये वन थ्री थ्री जीरो है जब ये वन थ्री थ्री जीरो है तो बुक्स के अंदर कितनी दी हुई है वन टू टू जीरो इसका मतलब क्या हुआ कि वन वन टू टू जीरो जो है मेरी कॉस्ट है अगर कॉस्ट में माइनस कर दू इसमें से तो जब बाकी डिफरेंस बचेगा वन वन जीरो क्या है ये मेरा प्रॉफिट है जो मेरी कॉस्ट थी वो कॉस्ट बढ़ के वन थ्री थ्री जीरो हो गई और जो डिफरेंस है वो आपका क्या बन गया वो आपका बन गया रिटेन प्रॉफिट बन गया वो प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे आप इसको इसमें ऐड कर हैं ठीक है जी फेयर वैल्यू रेस्पेक्ट जो है जो तो मेरी एसोसिएट थी उसका जो प्रॉफिट है वो मैं अपने प्रॉफिट में ऐड कर लिया इसकी गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे आप आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल आ गई इस पे एन कितना है आपका एनसीआई आपको ओपनिंग आप दिया हुआ ये हमने कैलकुलेट किया ऊपर वन सिक्स फोर फाइव तो टोटल आपकी जनाब वेरी बन गई थ्री सिक्स फाइव नाइन इसके अंदर आपका आई ओपनिंग कितना है वो आप माइनस कर दे थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो बैलेंस आपका आगे आ गया 159 आपकी गुडविल आ गई ये 3500 यहाँ से आया तो 159 क्या है आपकी वो आपकी गुडविल आ गई तो गुडविल आपकी 159 जो है हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ठीक हो गया जी तो इस तरह जो है हमारा इस तरह गुडविल भी कैलकुलेट होगी हमारी अह सीएल की हमने एनसीए भी कैलकुलेट कर लिया एनसीए भी हमने ऊपर पोस्ट कर लिया गुडविल भी हमने कैलकुलेट कर ली एसोसिएट पे कितना प्रॉफिट हुआ हमें 110 प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट कर लिया ठीक है जी ये प्रॉफिट भी हम ले गए इसका अब यहाँ क्या रह गया इसका रह गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है जनाब इसका अब देखें जी इसका प्री पोस्ट एक्जन प्रॉफिट कितना है इसका आज का प्रॉफिट कितना है चार हजार नौ सौ ओपनिंग कितना था थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका आ गया एट हंड्रेड आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में आपका शेयर कितना है 53 परसेंट आपका शेयर है इसका 53 परसेंट आप लेंगे तो 424 जो है आपका वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएगा और ये 424 जो है आप इसमें प्रॉफिट में ऐड कर लें ठीक हो गया जी आप चले जी अब जनाब आगे चलते हैं आगे इन्फॉर्मेशन में दे रहा है कहता जनाब ऑन फर्स्ट मार्च 2018 हजार अठारह दो हजार सतारह के बाद बी एल एन एग्रीमेंट विद रोमानिया लिमिटेड टू सेट अप पीएल ए ज्वाइंट अरेंजमेंट बीएल एल है 60% राइट्स ऑफ द नेट एसिड ऑफ पीएल एल ऑन ट्वेंटी दिसंबर दो हजार नेट एसिड कंप्राइज ऑफ फिक्स एसिड करंट एसिड्स एंड लाइबिलिटीजली उसने कहा जनाब उसके जो एसेट्स हैं उसके जो पीपी वगैरह साला बिला के कितना बनता है वो कहता है एट हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड माइनस टू टू जीरो तो ये आपका आ जाएगा फाइव एटी एट उसके नेट एसे तो यह आपके ज्वाइंट अरेंजमेंट के आई एन ए आ गया कहता है पी एल करंट्स होता है इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग बिच फिफ्टी मिलियन वर परचेज फ्रॉम बी एल टोटल सेल ऑफ बी एल एंड पी एल दो हज़ार अठारह चार लाख चार सौ बीस इन नाइस ट्वेंटी उसने कहता है जनाब उसको आपस में सेल की इंटरल कंपनी ट्रांजेक्शन हुई जिसपे उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट होता है तो इस इसपे आप अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लें इसका अनरियलाइज प्रॉफिट कितना बनेगा उसने कहा कि आपकी फिफ्टी मिलियन की जो सेल हुई है इस पर जो प्रॉफिट है वो आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो 25 बटा 125 क्योंकि ये जो 25% है ये एट कॉस्ट प्लस 25 है तो 25 और 25 इनटू आपका आपका शेयर कितना है 60% है तो ये आपका आ जाएगा 6 तो यहाँ से आप क्या करें अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो माइनस कर दें 6 तो 582 जो है वो आपके आइडेंटिफाई एसेट्स है गए आपने इन्वेस्टमेंट कितने की की हुई है इन्वेस्टमेंट आपने कितने की किया है इन्वेस्ट आपने किया है 360 रुपए की तो अगर मैं 360 ऐसे माइनस कर दूं तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा आपका तो ये आपका क्या हो जाएगा रिटर्न अर्निंग या आपका प्रॉफिट हो जाएगा तो जो आपकी आपका जो जॉइंट रिपेसन है उस ज्वाइंट ऑपरेशन के जो नेट एसेट्स हैं उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट हमने मैनेज कर दिया जो बाकी बचा उस पर सिक्सटी परसेंट जो है वो जो है हमारा वो शेयर बनता है और वो सिक्सटी परसेंट जो है वो जो प्रॉफिट है वो हम इसको यहाँ पे शो करेंगे ठीक है जी तो यहाँ प्रॉफिट में जाके हम इसको ऐड कर देंगे ठीक है जी अब इसको देखते हैं हमारे पास क्या क्या बना अच्छा जी पीपी -पी में देखें पीपी -पी में आपने क्या किया सिक्स थ्री जो है आपने आर ओ यू को जो है वो माइनस किया ठीक है जी तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा आपके पास फोर्टी सिक्स एट नाइन्टी फाइव वन सेवेंटी प्लस फोर फिफ्टी प्लस वन फिफ्टी नाइन तीनों को जमा कर लें तो ये आपका आ जाएगा सेवन सेवन नाइन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे कुछ नहीं आएगी यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट्स का इसके जनाब आपके इन्वेस्टमेंट फाइव एटी टू यहाँ पे इसका ये जो है ये वैल्यू कितनी हो चुकी है फाइव एटी टू हो चुकी है तो इसको आप फाइव एटी टू को बाई ले जाए ठीक है हमने कैलकुलेट किया था मेरे फाइव एटी टू हम देख लेते हैं फाइव एटी थ्री ठीक है जी तो यहाँ पे आप इसको इसकी जो वैल्यू है उसको बाय ले जाए उसके बाद आप तीनों का जमा कर लें करंट एसेट्स को तो ये आपका हो जाएगा ट्वेंटी फाइव जीरो एटी तो ये आपका टोटल आ जाएगा सेवेंटी थ्री 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 सेवन ठीक है जी अब आगे चलते हैं एनसीआई एनसीआई वाले की तरह दोनों को जमा कर लें तो ये आपका बन जाएगा फोर सिक्स कैपिटल इसका पंद्रह हजार रह जाएगा ये आठ हजार रह जाएगा रिजर्वेशन शर्प कितना हो गया पांच हजार पांच सौ प्लस छह सौ पचहत्तर तो ये आएगा छह हजार एक सौ पचहत्तर पी एन एल को जमा करें जना आप चौंतीस तिहत्तर जमा एक सौ दस जमा चार सौ चौबीस जमा दो सौ ट्रिपल टू प्लस नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो यह आपका आ जाएगा तेरह हजार जीरो चौवन एंड फाइनली जो है आपको इसमें आप क्या करेंगे सिक्स नाइनटी फोर जो है आपका माइनस करेंगे आपकी और इसको आप जमा करेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड फाइव जीरो सिक्स और टोटल आपका आएगा सेवन थ्री सेवन सेवन थर्टी सिक्स ठीक है जी तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो यहां जो चीज मैंने नोट की क्वेश्चंस के अंदर जो जो चीज तंग कर रही थी वो सिर्फ यही थी कि जो आपने लाइब्रेटी कैलकुलेट की है ठीक है ना जी उस लाइब्रेट की बस कैलकुलेशन में आपने थोड़ा सा जो है ना वो ध्यान रखना है कि जो हमने अभी कल, ये बस ये कैलकुलेशन थी कि ये जो फिगर थी ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही थी कि कैसे आई है तो वो मैंने आपको सेपरेट वर्किंग करके जो इसकी दिखा दी है कि ये इसने ये चीज़ कैसे देखा है बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी खास चीज नहीं थी जो हमें कंफ्यूज करती हाँ यहाँ पे इसने हमें ये बता दिया था गुडविल ने कैलकुलेट करके दे दी थी यहाँ पे स्टार्ट में तो हमें जो है वो रिवर्स कैलकुलेशन करके जो है वो ये एक जो है वो सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड निकालना है अब ये जो आई कैप की जो सोल्यूशन है वो थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है मैंने इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं की इसके अंदर मैंने सिंपल रखा है इसको तो जब आप आई के की सूची देखेंगे तो चीज़ें तकरीबन वही हैं सारी लेकिन जरा मैंने सिंपल तरीके से निकाला हुआ है तो आप जब मेरी रिकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे साथ साथ तो आपको आई के की जो सोल्यूशन है वो भी जो है वो ईजी समझ में आ जाएगी ठीक है जी तो इसके साथ ही जो है हम हमारा कॉन्सोटेशन वाला जो पार्ट है वो जो है वो ख़त्म हो चुका है तो ये आज आखिरी मेडिकल था जो हमने किया तो नेक्स्ट जो है वो हम हम देखते हैं नेक्स्ट हम क्या करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या वो एक और रिक्वेस्ट थी हमारे पास कि हम जो स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स हैं इसमें से कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे इन तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर वो उसके हिसाब से हम करेंगे तो अगर किसी को कोई कोई प्रॉब्लम है कंसोलिडेशन के अंदर तो वो आप ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर सकते हैं जी हमें चीज़ समझ नहीं आई तो वो हम जो है उसको दोबारा जो है वो डिस्कस कर सकते हैं किस टाइम भी तो इन जो नेक्स्ट क्लास है वो हम नेक्स्ट अपने रूटीन में जो है वो ट्यूसडे को क्लास हमारी होती है तो वो नेक्स्ट क्लास हम ट्यूज़डे को इनशाला करेंगे और टॉपिक भी इन जो है वो हम हम लोग उससे पहले डिसाइड कर देंगे हमने क्या करना है ठीक है जी <coughs> अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप कर सकते हैं अदरवाइज जो है फिर मैं मैं जो है वो मीटिंग को वाइंड अप करने लगाऊँ और फिर इन जो है वो नेक्स्ट ट्यूसडे को नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है हम शुरू करेंगे हाँ जी सर आपके क्वेश्चन तो नहीं है आपके पास अगर आप इजाजत हैं तो हम मीटिंग कर लगा चलें ठीक है जी